जयपुर की अचीवर्स टीम ने इंडियन पोलो एसोसिएशन पोलो कैलेंडर 2020-21 में इतिहास रचा है। अब तक खेली गई 28 में से 19 प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। भारतीय पोलो इतिहास में किसी दूसरी टीम ने दो सालों में लगातार इस तरह की सफलता हासिल नहीं की। टीम ने इस सीजन में खेले गए इंडियन ओपन नेशनल चैंपियनशिप पर जीत दर्ज की है। साथ ही दिल्ली, जयपुर, जोधपुर में अधिकांश लीडिंग प्रतियोगिता जीत कर नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। मिस पारुल राय जो हमारी टीम के ओनर्स और प्रमोटर्स हैं वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो एज अ प्लेयर हमें सिर्फ खेलने पे फोकस करना पड़ता है और उससे बहुत ही फ़ायदा होता है। और ऑफ कोर्स जैसा कि आपको बताया हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे इस साल, पिछले साल भी अच्छे रहे थे और इस साल हमने शायद जो हमारा पिछले साल का रिकॉर्ड था उसको इक्वल किया है और हम होप करते हैं कि अगले साल हम उसको तोड़ पाएँ। नहीं, युवा खिलाड़ियों के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें। अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, इसमें हमारा सीज़न ऑफ रहता है, बट ये टाइम मेहनत करने का है, परिश्रम करने का है और होप नहीं तोड़े। यू नो एट द एंड ऑफ हार्ड वर्क विल ऑलवेज लाई सक्सेस। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड यू नो एंड गॉड इज काइंड, यू विल सक्सीड वन डे। ये सीज़न हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा रहा और पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो हमने बराबर रखा। हमने टोटल 19 टूर्नामेंट जीते, 23 टूर्नामेंट के हम फाइनल में गए, उसमें से 19 टूर्नामेंट हम जीते। और अगर तुलना करें पुरानी टीमों से, सो जो जयपुर टाइगर्स टीम थी जिसके कि हिज लाइट हाइनेस महाराजा सवाई मानसिंह जी कैप्टन थे और 1930 में उस टीम ने जो विक्ट्रीज़ जो टूर्नामेंट जीते इंग्लैंड में और इंडिया में, अगर पिछले सालों का देखते हैं तो वही एक टीम है जो अभी करंट टीम जो हिज हाइनेस जयपुर जिसको कैप्टन करते हैं के आसपास की परफॉर्मेंस हो।